अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेसबुक के बारे में बात करेंगे कि फेसबुक अकाउंट से यानी फेसबुक आईडी से हम नंबर कैसे डिलीट करें और फिर भी फेसबुक हम इस्तेमाल करें, यानी फेसबुक से हम नंबर रिमूव भी करेंगे और फेसबुक फिर भी इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम उससे अपना नंबर डिलीट करेंगे और फिर फेसबुक चला के भी देखेंगे कि नंबर के बगैर भी हम फेसबुक ओपन करेंगे, ठीक है, और इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा, तो ये इस थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। फेसबुक को ओपन करके इस थ्री डॉट पे हमने क्लिक कर दिया और नीचे जाएंगे इस सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अभी इसमें हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो सेटिंग लिखा हुआ है ये वाला, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अकाउंट सेंटर पर क्लिक करेंगे, ये जो ये वाला अकाउंट सेंटर पर हम क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल ये वाला, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते अभी कॉन्टेक्ट इन्फो पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर। इस वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया तो ये रहा हमारा जीमेल भी आ गया और फ़ोन नंबर भी आ गया, ठीक है। ये दोनों हमारे आ गए। अगर आप इससे नंबर डिलीट करना चाहो, ठीक है, तो नंबर डिलीट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका जीमेल आईडी होना ज़रूरी है। जीमेल आईडी आप इधर से भी ऐड कर सकते हो, मेरी तो जीमेल आईडी, अगर आपकी नहीं है तो आप इधर से ऐड मोबाइल नंबर कोई दूसरा नंबर भी ऐड कर सकते हो। अगर इस ये नंबर हम डिलीट करेंगे, आप कोई दूसरा नंबर भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सेलेक्ट नहीं कर दो तो अपनी ईमेल जो आईडी है, ठीक है, ये यहाँ पर फ़ोन नंबर, यहाँ पर जीमेल आईडी जो प्ले स्टोर में होती है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो जो सिर्फ हम जीमेल आईडी देंगे जो मैंने पहले से दी है, ठीक है। तो हम नंबर डिलीट करेंगे, ये वाला जिस पर मेरे फेसबुक आईडी, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये ऑप्शन भी इसमें डिलीट से पहले ये ऑप्शन भी आप चेक कर ले, हु कैन सी योर नंबर, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपना नंबर विजिबिलिटी के में जो ये ऑप्शन है, ठीक है, ओनली मी मैंने किया, ये कोई दूसरा मेरा नंबर नहीं देख सकता। चेंज विजिबिलिटी ऑन फेसबुक, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये पहला वाला जो पब्लिक, अगर ये कर दो तो पूरा पूरे लोग आपको देखेंगे, जितने भी फेसबुक पे लोग हैं वो आपका नंबर देख सकेंगे। दूसरा है फ्रेंड, तो सिर्फ दोस्त, आप जो आपके दोस्त हैं वो देंगे, ओनली मी सिर्फ आप देखोगे, ठीक है। तो मैं तो नंबर डिलीट करना चाहता हूँ, तो वापस अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देंगे, पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे, कॉन्टेक्ट इन्फो पे, और अपने नंबर पर हम क्लिक कर देंगे और डिलीट नंबर पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना फेसबुक का पासवर्ड देंगे, जो आपके फेसबुक का पासवर्ड है वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने दे दिया, अभी कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अपना नंबर डिलीट करना चाहता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, अभी नंबर डिलीट हो जाएगा, नंबर डिलीट हो गया। अभी जो जीमेल था उसमें मैंने आपको बताया कि जीमेल आपने ज़रूर देना है, क्योंकि अभी आपकी आईडी जीमेल पर हो गई, तो ये जीमेल है मेरा प्ले स्टोर में जो आईडी, और यहाँ पर जीमेल में कोड आएगा, आप जीमेल ओपन करोगे तो एक कोड आ जाएगा, ठीक है, वो कोड हम यहाँ पे देंगे। ये रहा जीमेल आ गया, ठीक है। इस जीमेल में ये कोड है 18 81 18 81 24 61, ये कोड आ गया जीमेल में। ये जो आपकी प्ले स्टोर आईडी है ना, वो देंगे उस पर जीमेल आईडी में ये कोड आएगा, और हम वो कोड हम यहाँ पे देंगे 188, और ये रहा 188 12 46 1, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर, अभी वो नंबर चला गया, और ये नंबर चला जाएगा, और जो हमारा जीमेल है वो सिर्फ आ जाएगा। ये देखो आप, हम मैं वकास पे क्लिक कर तो नंबर चला गया और सिर्फ जीमेल अकाउंट आ गया। अब हम नंबर के बगैर अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ कर सकेंगे। अगर आप दोबारा यहाँ पे यहाँ से नंबर दे सकते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दो। तो ये बहुत ही आसान तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, नंबर के बगैर अब हम जीमेल आईडी यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया।